महतारी बंधन योजना का लाभ लेने दुर्ग निगम के लगाए शिविर में पहले दिन ही उमड़ा महिलाओं का सैलाब। वार्ड 56 सामुदायिक भवन बघेरा में सुबह तो दोपहर में वार्ड 21 शहीद सिंह स्कूल में लगाया गया शिविर। भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के कवरेज को बढ़ावा देने एवं हितग्राहियों में जागरूकता लाने विकसित भारत संकल्प यात्रा के सफल क्रियान्वयन हेतु दुर्ग निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजना महतारी बंधन योजना के लिए 5 फरवरी से 20 फरवरी तक शहर की जनता को लाभ दिए जाने को लेकर वार्डों में शिविर लगाया है, जिसकी पहले दिन की शुरुआत में वार्ड 56 सामुदायिक भवन बघेरा में सुबह और वार्ड 21 शहीद भगत सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में दोपहर से शाम 6 बजे तक का शिविर का आयोजन किया गया है। इसे बड़ी संख्या में महिलाओं ने स्थल पहुंचकर अपना आवेदन जमा किया। जाति प्रमाण पत्र मतलब विवाह नहीं है, सब बच्चों नहीं है ना, आप बोलते नहीं है करके हमारी मैडम को ही लगेगा करके। अरे नहीं भाई, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारा संकल्प विकसित भारत की प्रतिज्ञा लेती हूँ। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करें। इसको लेकर दुर्ग निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने कहा कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में महतारी बंधन योजना लागू की गई है। सोमवार को शहर के वार्डों में तिथिवार तिथि शिविर का आयोजन ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदनों का पंजीयन किया जाएगा, जो कि 1 मार्च 2024 से लागू किया जाएगा। उन्होंने समय सीमा को ध्यान में रखने शहर की महिलाओं से अपील की। साथ ही कोई भी पात्र महिला इस योजना का लाभ लेने से ना छूटे, इसके लिए अपील किया। इस संबंध में निगम आयुक्त और भाजपा नेता प्रतिपक्ष ने मीडिया को जानकारी दी। अंगनवाड़ी योजना के लिए हमने सभी वार्ड के लिए वार्ड प्रभारी का नियुक्ति किया है और जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं वहाँ पे हमने आवेदन प्राप्त करने के लिए व्यवस्था बनाई और वहीं से आवेदन भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को इसके संबंध में जानकारी दे दी गई है। साथ ही हमारे नोडल अधिकारी जो लगे हुए हैं उनको भी जानकारी दे दी गई है। वो लगातार सतत वहाँ पे निरीक्षण भी कर रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं कि कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी। जिस तरह से भ्रांतियाँ फैल रही है उसको लेकर क्या कहना चाहिए? भ्रांतियाँ इसलिए फैल रही हैं कि लोगों के हाथ में जहाँ आवेदन पत्र नहीं आए हैं वहाँ पर भ्रांतियाँ फैल रही हैं। आवेदन पत्र में सारी चीज़ें स्पष्ट है, गाइडलाइन भी सोशल मीडिया में चल रही है। अगर किसी प्रकार की भ्रांति होने पे संबंधित अधिकारी से वहाँ पे आंगनबाड़ी में जाके संपर्क कर सकते हैं, निगम आके संपर्क कर सकते हैं, महिला बाल विकास विभाग जो नोडल है वहाँ संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से इस फॉर्म को निर्मित किया गया और सरल प्रक्रिया शासन द्वारा बनाई गई। पूर्व में ये बात आ रही थी विवाहिता प्रमाण पत्र के लिए, उसके लिए शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि विवाहिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपके पास आधार में अथवा आपके एपिक कार्ड में स्पष्ट हो रहा है या फिर आपके राशन कार्ड में स्पष्ट हो रहा है कि आप पत्नी हैं तो ये माना जाएगा कि आप विवाहित हैं। चाहे तो आप पार्षद के माध्यम से भी अपना विवाहिता प्रमाण पत्र दे सकते हैं, चाहे तो आप स्वयं शपथ पत्र भी दे सकते हैं कि मैं विवाहित हूँ। मैं अपील करता हूँ कि आप प्रधानमंत्री महतारी बंधन योजना के जो फॉर्म हैं उसको आप अच्छे से अध्ययन करें और किसी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो संबंधित आंगनबाड़ी से संपर्क करें। आपको मूल दस्तावेज के रूप में अपने आधार कार्ड, आपके ईपिक कार्ड, राशन कार्ड और स्वयं के नाम से जो आपके बैंक अकाउंट है उसकी ज़रूरत होगी। साथ में आपको अपने एक अटेस्टेड फ़ोटो की ज़रूरत होगी। इतने में ही आपके सारे काम हो जाएंगे। महतारी बंधन योजना युग परिवर्तनकारी योजना और नरेंद्र मोदी की गारंटी अब पूरे होने जा रही है। अब प्रत्येक बहन के जेब में हर महीने 1,000 रुपया तो रहेगा। सभी बहनों का स्वागत है और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप किसी तरीके से परेशान मत होइए। आप अपने अपने क्षेत्र के नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्रों में जाइए। ये जो फॉर्म को देख के आपको लग रहा है कि विवाह प्रमाण पत्र लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, ये सब चीज़ें ऑप्शनल हैं, ये नहीं लगेंगी। आपका पति का नाम लिखा हुआ ना आधार में
राशन कार्ड में मतदाता कहीं भी पति का नाम लिखा है तो मतलब आप सक्षम हो। बहुत सरल नियम है, आप आंगनबाड़ी केंद्रों में जाएं और आंगनबाड़ी केंद्रों में जाके इन 5 दस्तावेजों के साथ में अपना फॉर्म भरें। इसके बाद में अगर नहीं होगा तो हम नगर निगम से, आयुक्त महोदय से मांग करेंगे कि नगर निगम विभिन्न जगह में कैंप लगाएगी, हम पार्षद लोग अपनी तरफ से मदद करेंगे और दुर्ग शहर की एक भी विवाहिता बहन 1,000 रुपया महीना लेने से चूकेगी नहीं। जी, एक घर में जितनी भी विवाहिता बहनें हैं उन सबको लाभ मिलेगा, सास बहू दूसरी बहू इन सबको मिलेगा। इसके अलावा जो चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारी हैं उनकी पत्नियों को मिलेगा, जो पेंशनर्स हैं उनको मिलेगा। इसके अलावा जो हमारी वृद्ध माताएं हैं जिनको 500 रुपये का निराश्रित पेंशन मिल रहा है उनको भी ये फॉर्म भरना है, वो 500 रुपये बंद हो जाएगा, अब इनको 1,000 रुपये महीना मिला करेगा। इस तरीके से जो सामाजिक सुरक्षा के तहत जो माताएं पेंशन पा रही हैं उनको भी अब फॉर्म भरना है। एक और निवेदन मैं आपके माध्यम से करना चाहूँगा, चुनाव के समय में खूब फॉर्म बटा था, उस वह फॉर्म फोन नंबर कलेक्शन के लिए था। इस भ्रांति में शहर के लोग ना रहें कि हमने पहले फॉर्म भर दिया है, अभी प्रत्येक विवाहिता महिला को फॉर्म भरना आवश्यक है। मेरी इस बात को गौर से ध्यान दें कि पहले भी फॉर्म भर चुके हैं तो उसे भूल जाएं, आप अभी पुनः फॉर्म भरें। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्र में जाएं और अगर नहीं होगा तो हम दुर्ग निगम से बाद में इसकी शिविर भी लगवाएंगे और प्रत्येक विवाहिता बहन का बनवाएंगे। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।